प्रधानमंत्री मोदी की माता हीराबेन के निधन पर जगधारी समेत पूरे देश ने अफसोस जताया। दो दिन पहले प्रधानमंत्री की पूज्य माता हीराबेन का निधन हो गया था और पूरे देश ने उनको आत्मा की शांति के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जिला यमुनानगर सिटी जगधारी के तरुण कुमार और नरेश कुमार ने बताया, सभी नागरिकों को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। ग्राउंड जीरो से देखिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। कुछ नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता है। राम राम जी। भाई साहब, आपको पता है दो दिन पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता का देहांत हो गया था, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हो? माता जी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? अगर किसी की माता आपकी भी या किसी और की भी, प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए माता जी की, कुछ संदेश देना चाहते हो आप? हाँ जी, इज्जत करनी चाहिए। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा तरुण कुमार। तरुण कुमार का कहना है कि सभी माताओं को इज्जत करनी चाहिए। भाई साहब, आपको पता है कि दो दिन पहले नरेंद्र मोदी की माता जी मीराबेन का देहांत तो हो गया, कुछ कहना चाहोगे? दुख हुआ जी हमें बहुत सुन के। अच्छा, दुख हुआ। हाँ जी। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि अगर किसी की माता होती है उनकी इज्जत करनी चाहिए? जान से ज्यादा करनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, के लिए अपनी जान निछावर कर देनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है आपने। आपका नाम? उसने जन्म दिया हमें। ठीक है, पे घुमाया। ठीक है, आप अपने पैरों पे खड़ा करा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश है। नरेश कुमार का कहना है कि सभी जो जगाधरी जिले, यमुनानगर, हरियाणा या पूरा देश है, सभी माताओं की इज्जत और सम्मान करना चाहिए। माँ से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। जिला यमुनानगर सिटी से गाली से रिपोर्टर सतीश कुमार, हरियाणा।